अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हमें कोई फूड स्ट्रीट जाना है, और फूड स्ट्रीट में कुछ आज नया फूड जो है ना वो हमें एक्सप्लोर करना है। ऐसा ही है ना। तो फिलहाल हमें हम किस काम से जा रहे हैं ये बताओ। देख देना जा रहे हैं। कौन सी देख देने जा रहे हैं? जो कल आपके उधर थी वही देख देने जा रहे हैं। ये देखें भाई, ऐसे देख रहे हैं, कुछ नया हो रहा है ना आजकल। हर कोई देख रहा होता है गाड़ी में, जब भी ब्लॉग बना रहा बाहर से सब लोग यूं देख रहे होते हैं। भाई देख वाला तो बनता, हम हुसैनाबाद के लिए निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक कितना है यार, बहुत रश है यार। इफ्तारी से पहले पहुंच सकेंगे नहीं पहुंच सकेंगे? और हुसैनाबाद पे क्या नहीं मिलता? पार्किंग नहीं मिलती, अब समझ आ गया इसको। गाड़ी लेके तो हम जा रहे हैं, पार्किंग नहीं मिलती। आज वैसे भी हम दो लोग हैं, गलती हो गई, बाइक में जाना चाहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इंस्टाग्राम पे राफी दानिश के नाम से फॉलो कर ले। वापस ट्रैफिक आ गया यार। मुझे तो लग रहा है हुसैनाबाद में ना होगा बहुत रश। फिलहाल यहाँ से तो रश नहीं है, लेकिन अंदर मुझे लग रहा है ना पार्किंग मिलेगी ना चलने की जगह होगी, क्योंकि हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट इफ्तारी में तो बहुत बिजी रहती है। देखें यहाँ पर आप देखें कैसे फ्री मेरे ख्याल से मेडिसिन मिल रही है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ नेकी का काम हो रहा है। इफ्तारी बढ़ रही है भाई, इफ्तारी बढ़ रही है। ये देखें पार्किंग फुल हुई हुई है। हुसैनाबाद में जो पहले इफ्तारी करने थे, हाँ भाई बहुत रश था। हमें क्या आपको बताऊँ, बैठने की जगह नहीं मिली थी, लेकिन आज थोड़ा हम सेटअप बना कर आए अपना। देखें भाई यहाँ पर भी इफ्तारी हो रही है, और ना शरबत का ना एहतमाम हो रहा है फुल। देखें ये देख रहे हैं आप लोग, गिलास वगैरह सब लग रहे हैं। भाई गाड़ी हमने पार्किंग पर लगा दी, पहले असर की नमाज पढ़ लेते हैं। भाई देखिए इफ्तारी की लाइन लग गई है, और देखें वहाँ पर मेरे ख्याल से शरबत मिल रहा है अभी से। ये देखें भाई कितना रश है, और यहाँ पर देखें लाल शरबत और ग्रीन शरबत सब बन रहा है, ग्लास लगे हुए। भाई ये चेक करें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी खासी मज़ेदार। दूसरा ये वाला फ़ैन देखें, ये मक्का और मदीना में जो हरम में लगा होता है ना, ये उसी टाइप का फ़ैन है। ये देखें पानी की पाइप की लाइन आ रही है इसके अंदर, इसमें ठंडा पानी निकलता है। मतलब हुसैनाबाद में तो हर कोने पे बट रहा है, उधर भी बट रहा है, इधर भी बट रहा है, वहाँ पर भी बट रहा है। भाई देखें यहाँ पर क्या मिल रही है, छाछ मिल रही है, छाछ। ये देखें छाछ मिल रही है, ये नमकीन लस्सी समझ लें होती है ये। ये छोले की चाट आ गई, फ्रूट चाट आ गया, दही बड़े आ गए, ये फिर कोई और काठियावाड़ी चाट आ गई। भाई ये देखे इधर आ गई पानी, भाई ये देखे दही बड़े, फ्रूट चाट, और उस तरफ फ्राई मिल रहा है। देखिए भाई इधर क्या मिल रहा है, चिलोस मिल रही है, मालपुरी आ गई, ये सब अनफ्राई। आपको फ्राई आइटम चाहिए, फ्राई हुआ अभी वहाँ पर है, ये सारा अनफ्राई है। वोंग टोंग कीमे के समोसे, और इसको अरेबियन पफ बोलते हैं ना, ये अरेबियन पफ आ गया। इसको क्या कहते हैं, टेंडर चिकन, फ्रेड चिकन। हाँ मतलब बहुत सारे फ्राई आइटम है। ये देख रहे आप लोग कितने फ्राई, ये देख रहे हैं स्टिक बोटी। यहाँ से कुछ ले नहीं, आगे बड़ा सेटअप है अपना, आगे बड़ा सेटअप है अपना। ऐसा क्या बड़ा सेटअप है, आओ तो देखते हैं ना। चलो आओ। वैसे बशीर भाई ने बात सही की, आगे बहुत बड़ा सेटअप है अपना। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे ना फ्राइड आइटम एक ही जगह है, सही है। पंच रोड फूड स्ट्रीट पे ना, ये भाई कटक चल रहा है भाई, पंच रोड फूड स्ट्रीट पे ना फ्राइड आइटम हर जगह मिल रहा है भाई। हुसैनाबाद में आम दिनों में इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं कि नॉर्मल रमजानों में भी वही स्टॉल होते हैं ज्यादातर, बस फ्राई आइटम के स्टॉल ऐड हो जाते हैं, वरना हुसैनाबाद में वैसे बहुत स्टॉल है। ये चरगा याद है, चरगा वापस आते हैं, ये चरगा देख रहे हैं आप लोग। शहरी में आते हैं क्या बोलते हैं, शहरी करने आते हैं। अबे भाई अभी तो अजान नहीं है, अभी से इफ्तारी हो रही है भाई, इनकी तो अभी से इफ्तारी हो रही है। वाह यार रोजा नहीं रखा क्या भाई? हम इत्तेफाक से हुसैनाबाद हर दफा रात में ही आए हैं, लेकिन इतनी गोश्त की दुकान है हमें पता ही नहीं है भाई। देखे ये आ गए दही बड़े और फ्राई आइटम, और ये आ गया आलू के समोसे, कीमे का समोसा, रोल और वोंग टोंग बॉक्स पेटीज, और ये आ गया अपना, ये क्या है, स्टिक बोटी। भाई यहाँ देखें क्या मिला, खट्टे आलू, छोला, चना चाट, जुनैद अकरम भी है, और ये कौन से जिया तबारक, ये दोनों भी गली मिल रहे हैं। मतलब रश तो इस गली में ठीक ठाक है भाई, चलने की जगह नहीं। देख रहे हैं आप लोग वो कहाँ तक रश है भाई। ये देखें इधर पहली दफ़ा मैंने देखा कि शादियों में देखा इस तरीके से तिल वाला नान मिलता है, कभी देखा आपने? पहली दफ़ा मैंने देखा कि ऐसे मिल रहा है भाई। देखिए यहाँ पर बन रहा है दूध सोडा, ये लेना है, ये लेते हैं भाई। भाई देखिए इधर क्या मिल रहा है, दही बड़े, फ्रूट चाट, कस्टर्ड। कस्टर्ड कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, शक्ल तो अच्छी लग रही है। देखो तरबूज तुम्हारे साइज का, छोटे साइज का मिनी है। वाटर मेलन कितना छोटा है, इसका एक स्लाइस देंगे कितना सा है भाई। ये चेक करें आप लोग, मालपुरा ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ड्राई फ्रूट वाला मालपुरा है, मतलब ड्राई फ्रूट वाला। देखिए भाई जो इसका बैटर है उसमें बादामे वगैरह सब दिख रही है, देख रहे हैं। और यहाँ पर अंडा मिक्स करके ये इसके अंदर ऐसे डाल देंगे भाई, ये चले गया, देख रहे हैं बन गया मालपुरा। इधर जो है ना बंसोड़ की तरह मतलब हर जगह फ्राई आइटम नहीं मिला, कम जगह मिल रहा, बहुत कम जगह फ्राई आइटम मिल रहा, मतलब कोने हर कोने में मिल रहा है भाई, फ्रूट चाट और ये दही बड़े वगैरह। क्या कह रहे हो, कहाँ फालूदा मिलता है? तैयारी में मिलता है जंगली फालूदा, जंगली फालूदा। आवाम 4 बजे खड़ी होती है, 4 बजे जब आम खड़ी होती है, मतलब ट्राई करना पड़ेगा भाई। कहता है कि आप जंगली बन जाओ, भाई चप्पल नहीं
मोबाइल नहीं जेब में, कुछ भी नहीं। ये बताओ ट्राई करने का क्या मूड है, कुछ निकलो आप देखते हैं भाई। फालूदे का नाम तो देखा था, कम मिल रहा है लेकिन फ्राइड में भी मिल तो रहा है। सही है, यहाँ पर वाटरमेलन, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी। मैं कब से यही सोच रहा था कि यहाँ पर कचौरी नहीं मिली, और देखे इधर कचौरी मिल रही है। ये देख रहे हैं फूली फूली हुई कचौरी, ये आ गई एक साथ इतनी सारी भाई। ओए ओए ओए, ये देखें भाई धुआं चेक करें कैसा निकल रहा है गुलाब जामुन से। इफ्तारी के वक्त बंदा अगर ये देखें रोजे में तो भाई सबर नहीं होता। अभी आप लोग रश चेक करें, इधर शोर इतना चलने की जगह नहीं। इफ्तारी की अजान जैसी होगी ना, बस मगरिब की अजान के बाद सन्नाटा, बिल्कुल खाली रोड। खाने का हमारा क्या बड़ा सेटअप है बताओ तो सही। दिखाएंगे ना, अच्छा बताएंगे नहीं दिखाएंगे। फिलहाल कुछ पीने के लिए लेने हैं, चलो भाई फिलहाल कुछ पीने के लिए ले लेते हैं। यार इधर तो ठीक ठाक रश लगा भाई। ये हमारा आ गया दूध पाकोला, सही है, और बहुत रश से मुश्किल। सही बताओ दिल बताए क्या जा रहा है, किस चीज का पीने का दिल चाह रहा है? वो तरबूज वाला जो होता है ना, वाटरमेलन का जो शरबत होता है ना, दिल चाह रहा है कि बस वो मिल जाए। इतनी प्यास लगी है, पूरे हुसैनाबाद की फुल सीट आज हम लोग पाँव चल कर घूमे। अपना सेटअप है किधर वैसे? ये आ गया देखो। अच्छा इधर फ्रिकिंग फ्राई पे, ये तो मेरा फेवरेट जगह है भाई। यही सेटअप है, यही सेटअप है। अच्छा भाई ऑर्डर दे दिया आपने? ये देखे बड़ा एडवांस चल रहा है, बंदा ऑर्डर भी दे दिया। चले भाई सायरन बज गया है, खजूर से रोजा खोलते हैं फिर इफ्तारी आने है। भाई ये आ गया वेजिटेबल रोल, सही है। कैसा लगा? अच्छा रोल है। अभी तो स्टार्टर हुआ है, मेन कोर्स बाकी है। ये कैसा लगा दूध पाकोला का शरबत? बहुत अच्छा लगा भाई। देखिए एक मिनट के अंदर ही कैसी खामोशी हो गई, ना कोई बाइक ना कोई गाड़ी ना कोई शोर, सब अपनी इफ्तारी खोल रहे और कुछ लोग घर भी चले गए। भाई ये ट्राई करते हैं हम, थोड़ा सा फ्रूट चाट है, पता नहीं क्या इसमें सेवैयाँ भी हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को, लग रहा है फ्रूट चाट ही है, फ्रूट चाट ही लग रहा है। ट्राई करते फ्रूट चाट है, क्रीम वाला है और थोड़ा चेंज है, इसके अंदर सेवैयाँ भी डली हुई है, देख रहे आप लोग। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने, असल सीन मगरिब की नमाज़ के बाद है। मगरिब की नमाज़ से फ्री होते हैं फिर असल चीज सीन तो मगरिब की नमाज़ के बाद है। ये तो बताओ ऑर्डर क्या दिया है? बीफ बर्गर ऑर्डर दिया। बीफ बर्गर ऑर्डर दिया, ये हमारा ही बंदा है। अच्छा भाई ओए होए होए होए, बीफ बर्गर यार। और ये कुछ ना कुछ ग्रिल होने जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। भाई ये बन रहा है हमारा रैप, वो हो अभी तो खाली इसकी ब्रेड है। ये आ गई सॉस कोई ना कोई, मुझे लग रही है 1000 LL। ये सॉस है कौन सी? चपॉटले सॉस है। अच्छा भाई ये आ गया चिकन का फ्ले, देख रहे हैं रैप के अंदर, ओए होए होए। और ये हमारा रेडी हो रहा है बीफ बर्गर, ये हमारे बीफ बर्गर के ऊपर आ गई सॉस, ओहो मतलब कुछ ज़्यादा ही सॉस वाला लग रहा है। कैसा लग रहा है देखने में? अच्छा खाने में पता नहीं कैसा, फिलहाल देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आ गई पैटी इसके ऊपर, ओहो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वाह यार ये रैप फोल्ड कैसे हुआ है, मैं शॉट लेना भूल गया वरना बड़ा बेहतरीन शॉट है। ये देखें भाई बर्गर को कैसे पेपर के अंदर रैप कर दिया, देखें आप। और भाई ये ओवन में आराम कर रहा है, अभी थोड़ा ठंडा नहीं हो जाए इसलिए अंदर रख दिया इसको। और यहाँ पर हमारा रैप अंदर ना ग्रिल हो रहा है, इसका नाम है भाई देखिए वॉल्केनो पॉट फ्राई, सही है। ये आ गई इसके ऊपर सॉस, जब वॉल्केनो नाम है तो कुछ लोडेड होगा, होगा या नहीं होगा। ये आ गई भाई सॉस, और ये आ गई, ये चीज़ से फुल लोड है ना, चीज़ से फुल लोड होना चाहिए क्योंकि इसका नाम ही वॉल्केनो है। ये आ गई भाई चीज़ से फुल लोड। अच्छा ये कौन सी सॉस है? ये चिली मिनियन सॉस है। चिली मिनियन सॉस, ओहो कुछ ज़्यादा ही लोडेड है भाई ये तो। ये इसके ऊपर आ गई भाई एक और सॉस, देख रहे हैं फिर से इसके ऊपर चीज़ आ गई भाई, और कितना लोडेड हुआ ये भाई। ये देखें अभी ये तो कुछ अलग ही सिस्टम हो गया, देखें आप लोग। ये देखें ऊपर ब्लैक पेपर भी आ गई भाई। ये आ गए हमारा खाना, और सबसे पहले क्या खाएं आप बताओ? आज आप खाओ सबसे पहले, क्योंकि आज मैं आपको दावत दे रहा हूँ। किस चीज़ की आपको पता है? रैबो की दावत है। नहीं नहीं नहीं, हाईवे पे होगी। चलो आज आप सबसे पहले ट्राई करो। चलो भाई ये, अरे क्या हो गया, ये आ गया, ओए होए होए होए, मतलब लग रहा है बड़ा लेवल का होगा, ऐसा लग रहा है कि एंड है। हाँ भाई एंड है भाई, एंड है, एंड है भाई, लग रहा है एंड है। अब हम ट्राई करते हैं। चले भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। ये हमने ले लिया, अरे चीज़ ना बहुत हार्ड हो गई, नीचे ही आ गया प्राइस। आ जा भाई आ जा, आ गया सही है, लग रहा है बहुत अच्छा है।
भाई फुल लोडेड है। ये देखें आप नीचे तक चीज़ ही चीज़ है, ये देखें आप लोग, ये देखें। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो पहले अभी ये ट्राई किया, मुझे ये बहुत पसंद आया। अभी बर्गर और ये दोनों में से देखते हैं भाई। ये चेक करें फुल लोडेड बाइट है, और फ्रेंच फ्राइज का ना आपका भाई वैसे ही दीवान है, और अब ये बाइट जब चीज़ वाला फुल लोडेड जब जाएगा। हाँ 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 भाई, अब जो बारी है ना वो किसकी है? बीफ बर्गर की बारी। और ओए 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 चीज़ देखें कैसी मेल्ट हुई हुई अंदर, ये देखें देखें आप लोग भाई। ऊपर से ना ये फुल क्रिस्पी है सही है, और इसका मैं पहला बाइट लेने जा रहा हूँ, देखें आप लोग। अब इसका पहला बाइट लेने जा रहा हूँ, देखें सॉस कितनी बाहर आ रही है। पहले बाइट में से समझ नहीं आया, दूसरा बाइट लेगा तक का। मैंने जितना भी बीफ बर्गर खाया ना उसमें मेरा फेवरेट बीफ बर्गर आप लोग इसको कह सकते हो। मतलब इसकी जो बीफ की जो पैटी है ना वो फुल ग्रिल को कोई भी है, वरना अक्सर अंदर से कच्ची होती है, बाकी इसके अंदर जो चीज़ है ना उसका कॉम्बिनेशन और सॉस का एंड है। अब आप ट्राई करके बताओ बशीर, आपको अब आप ट्राई करके बताओ कैसा लगा, सही है? मुझे तो लग रहा है एंड लेवल का लगा। नहीं बीफ बर्गर सही है, इनका बीफ बर्गर बहुत अच्छा है। अच्छा कह रहा है कहीं बीफ बर्गर नहीं खाता ना, लेकिन इसका बीफ बर्गर अच्छा है। पहली दफा ट्राई किया अच्छा लगा, पहली दफा ट्राई किया, मजाक नहीं कर रहा, पहली दफा ट्राई। आज की ज्यादा लोडेड नहीं हो गई, बहुत ज्यादा लोडेड हो गई। अभी तो ये ग्रिल रैप भी बचा, और सबसे अच्छी ये चीज़ है कि इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज है, देखना आपको। अब भाई आ गई ये रैप की बारी, और ये अच्छा है, लेकिन फर्स्ट में मुझे फ्राइज अच्छे लगे, फर्स्ट पे बीफ बर्गर अच्छा लगा, सेकंड में फ्राइज, फिर रैप अच्छा लगा। कैसा लगा रैप? अच्छा रैप है, टेस्ट करा या नहीं करा? करा। ये रैप कहाँ की याद दिला रहा है? सऊदी अरब की, मतलब ऐसे ही फ्राइज डले हुए थे ना। आप कहीं जा तो नहीं रहे हो? देखते हैं अभी भाई। पहले तो मुझे रैप समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं इसके बीच में पहुँचा ना, सही है, जब ये सॉस वाला पार्ट वाइट आया और पार्ट आया, तब कैसा लगा, तब दिल से आवाज निकली ओए 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 ओए। इतना जूसी था, तब मुझे पेट फट रहा है मेरा, इतना जूसी है साइज है, पेट फट रहा है। सही है, कोई मसला नहीं है। ये जो बीफ बर्गर हम लोग निपटा चुके हैं, ये 750 का है, और ये जो है ना ये है 850 का, और ये जो रैप है ना ये 550 का, लेकिन 850 में ये 2% की सर्विंग है और वसूल है। देखें आधा बज गया हमारा, देखना आप लोग भाई। अब हम हुसैनाबाद से निकल रहे हैं, और आज जो इफ्तारी थी ना कुछ ज्यादा ही टाइट हो गई है, बहुत हैवी हो गई, लेकिन मजेदार इफ्तारी थी। कैसी इफ्तारी थी? मजेदार इफ्तारी थी भाई। हुसैनाबाद से आगे गाड़ी पार्किंग में लगा दिए, और अब कहाँ जा रहे हैं? तरावी पढ़ने। तरावी पढ़ के आप लोग से मिलते हैं। A few moments later. ये साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, कल का क्या सीन है भाई? कल बहुत अच्छा सीन है, अभी बताऊंगा, लेकिन बता देखिएगा आप लोग। एक नेकी का काम है रेवो में, कल इंशाल्लाह कल बहुत अच्छा सीन है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं आज का व्लॉग कैसा लगा, और आपको कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आज का व्लॉग? इंस्टाग्राम पे राफे दानिश के नाम से फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्या? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।